सिंगरौली में रीवा लोकायुक्त पुलिस ने एक पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पटवारी ने न्यायालय द्वारा जारी आदेश को स्थगित कराने के लिए 30,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। रीवा लोकायुक्त की 15 सदस्यीय टीम ने पटवारी राम सजीवन पनिका को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आवेदक के पिता द्वारा शासकीय भूमि पर मकान निर्माण किया जा रहा था, जिस पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी हुआ था, जिसे खारिज कराने के लिए आरोपी राम सजीवन पनिका ने शिकायतकर्ता मान प्रसाद साहू के पिता से 30,000 रुपए की मांग की थी, जिस पर मान प्रसाद साहू ने 10,000 रुपए पटवारी को पहले दे दिए थे। बाकी के 20,000 नगद लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद जिले के भ्रष्टाचारियों में दहशत का माहौल है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।